गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग कल आए थे एक कैंपेन के लिए। सो कल मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि कल बहुत ही बारिश हो रहा था और मेरा गला बहुत ही ख़राब है, तबीयत भी ठीक नहीं था, इसीलिए कोई वीडियो मैं नहीं बना पाई। पर आज सुबह सुबह वेदर भी बहुत ही अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा है और मेरी तबीयत भी पहले से थोड़ा अच्छा है, अभी मैं बात कर पा रही हूँ। सो इसीलिए सोचा एक वीडियो बनाया जाए। तो अभी मैं एक कैंपिंग के लिए आई हूँ, नाम मैं अभी कुछ नहीं, डिटेल्स बताऊँगी वीडियो के एंड में बताऊँगी। और हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है, अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हम ये पूरा घूमने जाएंगे। मेरे पीछे जो आप पाइन फॉरेस्ट देख रहे हैं वहाँ पे जाएंगे घूमने। सो उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या है आज ब्रेकफास्ट में। और वेदर, आज मॉनसून का सीज़न है अभी, तो वेदर थोड़ा कभी ख़राब हो रहा है कभी ठीक है, पर सनी वेदर नहीं है बिल्कुल भी। हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे किचन है, यहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट खाने, चलिए। पहाड़ पे हम जब घूमने आते हैं तो एक चीज़ मैं हमेशा एक्सपीरियंस करती हूँ कि भूख, पहाड़ों पे आके भूख कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो अभी सुबह के 7 बजे हम जब कोलकाता में होते हैं तो अब तो मैं 7 बजे मैं उठता भी नहीं। आज यहाँ पे ब्रेकफास्ट पूरा लग चुका है, पर ब्रेकफास्ट करने से पहले मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी यहाँ का किचन, किचन आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको पूरा किचन का टूर करवाऊंगी, उसके बाद हमारे ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाना है वो भी देखेंगे। तो पहले किचन को देख लेते हैं, किचन। सो ये यहाँ का किचन है, बहुत ही वेल डेकोरेटेड है। हम जब पहले कश्मीर गए थे, कश्मीर में भी मुझे ऐसी किचन देखने को मिली थी, मैं वहाँ पर जो लोकल्स हैं उन लोगों के घर पर गई थी। और ये पानी का बहुत सारा कलेक्शन है। हम कल जब ट्रेकिंग करके आए थे तो मुझे थोड़ा डाउट था कि पानी मिलेगा कि नहीं, पर यह पानी भी बहुत ही बढ़िया है, एकदम ठंडी ठंडी। और ये आप देख सकते हैं, ये सब पीतल का है, बहुत ही खूबसूरत सा किचन है। और ये किचन से व्यू, ये जो नज़ारा देख पा रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कल हम जब आए थे तो बहुत ही बारिश हो रही थी, मतलब पूरा दिन बारिश हुआ था कल, आज सुबह से एक बार सिर्फ बारिश हुआ है, अभी वेदर थोड़ा क्लियर है। ये बाहर से भी व्यू बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे लोकल्स भी बहुत ही अच्छे हैं, हमने उन लोगों के साथ बात किया था, बहुत ही फ्रेंडली है। और ये सामने आप देख पा रहे हैं ये बाथरूम है, ये कॉमन बाथरूम है एक्चुअली कैंप का। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, ये एकदम बंगाली ब्रेकफास्ट ही है, मुझे बहुत ही पसंद है। ये मटर की सब्जी जिसे हम बंगाली में घुगनी बोलते हैं, और यहाँ पे रोटी है, ये रोटी ठीक नहीं है, ये चपाती हम बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ही थिक है, मतलब अगर एक खाए ना पूरा पेट भर जाता है, मैं कल एक ही खाई थी फिर। और ये जो सबसे बढ़िया यहाँ का होममेड पिकल, बहुत ही टेस्टी है बहुत ही, और ये एकदम नया है। ये पिकल के साथ ये चपाती खाने में जो मज़ा है, और यहाँ पे बॉयल्ड एग है, बहुत ही नीट एंड क्लीन ब्रेकफास्ट है, हाइजीन का भी बहुत ही अच्छा से ख्याल रखा हुआ है। ब्रेकफास्ट मुझे बहुत पसंद आया आज सुबह का। सुबह के लिए मैं सिर्फ एक ही चपाती खाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही थिक है, मुझसे दो नहीं खाया जाएगा। और ये तो मेरा फेवरेट है घुगनी, जिसे ये लोग मटर की सब्जी बोलते हैं, तो ये तो मैं पूरी पूरा खाऊंगी, पूरी नहीं, पिकल ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे आज शायद ट्रिप पे जाना होगा तो लिमिटेड ही खाना है।
खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और ये जो पिकल का जो स्वाद है मतलब बहुत ही चटपटा, और अभी मुझे कोल्ड है ना तो इसीलिए पिकल का स्वाद मुझे और ज्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। सो मेरा ब्रेकफास्ट अभी ख़त्म हो चुका है और वेदर फिर से थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है। अभी 10 मिनट पहले यहाँ पे मतलब पूरा सनी हो चुका था वेदर, पर अब उसके 10 मिनट बाद फिर से वेदर मतलब शायद फिर से बारिश होने वाली है। पर अगर आसमान देखें, आसमान अभी थोड़ा क्लियर है जो बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करके, वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो हमारा कैंप है, उसका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। पर ब्रेकफास्ट अभी ख़त्म हो चुका है, मैं ये बात 4 बार बोल चुका हूँ, 4 बार। अभी हम जाएंगे, मेरे पीछे देख सकते हैं पाइन फॉरेस्ट, ये पूरा एरिया है पाइन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, और वो मेरे पीछे वो ये पूरा एरिया एक्चुअली सिंगालीला रेंज का फॉरेस्ट है। अभी हम पाइन फॉरेस्ट थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद यहाँ से आज का दूसरा डेस्टिनेशन पे जाएंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मैसेज कीजिए। मतलब मैंने अभी पूरे जगह को शो नहीं किया है, पर कुछ कुछ तो ग्लिम्स आपने पूरा देख लिया है, तो ये जगह कैसी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरे वीडियो में मैं इस जगह की नेम रिवील करूँगी, इस वीडियो में नहीं। ओके, सो लेट्स गो।